आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑरेंज आइसक्रीम की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और जब आप इसे बनाएंगे तो आपके घर में सभी को यह बहुत पसंद आएगी। तो मेरी प्रिय सहेलियों, मैं तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रो विद किचन में। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ऑरेंज आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 ऑरेंज लेंगे। अब हम इनको कट करके इनका जूस निकालेंगे। अब हम जूस को एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे। मैंने दोनों ऑरेंज का जूस निकाल लिया है और अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक छोटा बाउल लेंगे और इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और हम इसमें 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसमें कोई लम्स भी नहीं है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 2 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे थोड़ा सा। मैंने पानी, चीनी और कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हम कुक टॉप को ऑन कर देंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर का जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो डाल देंगे। अब हम इसको फिर से 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम कुक टॉप को ऑफ कर देंगे। मिक्सचर हमारा ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ऑरेंज जूस डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच ऑरेंज एसेंस डालेंगे। मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अगर आपके ऑरेंजेस खट्टे ना हो तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला दें। इससे क्या होगा कि आपकी आइसक्रीम खट्टी मीठी बनेगी। मिक्सचर ठंडा हो गया है और अब हम इसे जार में निकाल लेंगे। और अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड ना हो तो आप इस तरह के ग्लास में या इस तरह स्टील के ग्लास में भी आइसक्रीम को जमा सकते हो। इसके ऊपर हम फॉइल पेपर रखेंगे। फॉइल पेपर से इसको कवर कर देंगे। अब हम नाइफ से इसमें थोड़ा सा कट लगाएंगे और ये इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब हम आइसक्रीम को सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आइसक्रीम सेट हो गई है और मैंने इसे फ्रीजर में से निकाल लिया है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अब हम एक बाउल में नॉर्मल पानी लेंगे और उसमें आइसक्रीम को डिप करेंगे। लीजिए, ऑरेंज आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। अब आप भी इसे बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट पढ़ना और उनके रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।